जीएसटी छूट के बाद अब इन सरकारों को लुभाने के लिए उनकी एक और झड़ी लगाने की तैयारी में है। इसके तहत व्यापारियों के टर्नओवर और चुकाए जाने वाले टैक्स की रकम के आधार पर उन्हें बीमा पेंशन और ब्याज दरों में छूट की पेशकश की जा सकती है। हालांकि इसका रोड मैप तैयार करने की जिम्मेदारी भी व्यापार संगठनों को ही देने की योजना है। इसके लिए जल्द ही एक ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के लिए सरकार ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और कई अन्य संगठनों के साथ बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वेलफेयर बोर्ड के गठन के लिए प्रतिनिधियों का चयन भी शुरू कर दिया गया है। व्यापारियों की दलील, व्यापार संगठन मांग करते रहे हैं कि वे ग्राहक से टैक्स कलेक्ट कर राजस्व में जमा कराते हैं और एक तरह से सरकारी मशीनरी का हिस्सा हैं। ऐसे में उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह बीमा और रिटायरमेंट स्कीमों की सुविधा मिलनी चाहिए। टर्नओवर और टैक्स के आधार पर तय होगी रकम। सरकार से बातचीत में शामिल एक ट्रेड लीडर ने बताया कि इसी महीने स्कीमों की रूपरेखा सामने आ सकती है। इसमें टर्नओवर और टैक्स के आधार पर बीमा कवरेज, प्रीमियम और पेंशन की रकम तय करने की योजना है। हालांकि शुरुआती प्रस्तावों पर व्यापारी एकमत नहीं हैं और चाहते हैं कि स्कीमों से अनरजिस्टर्ड व्यापारियों को पूरी तरह वंचित न रखा जाए। बढ़ेगा व्यापारियों का भरोसा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट श्याम विहारी मिश्रा और जनरल सेक्रेटरी विजय प्रकाश ने बताया कि वे सरकार से लंबे समय से पेंशन स्कीम की मांग करते रहे हैं और बहुत खुशी है कि इसे गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को सोशल सिक्योरिटी मिलने से उनका सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा। कैट ने हाल ही में प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में किसानों की कर्ज माफी पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि यह माफी ट्रेडर्स के टैक्स से दी जा रही है, जबकि उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलता। 20 लाख दुर्घटना बीमा का कवरेज। व्यापार संगठनों की ओर से सरकार से मांग की गई है कि रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के लिए दुर्घटना बीमा का कवरेज प्रस्तावित 10 लाख के बजाय 20 लाख और उसके बाद प्रति करोड़ टर्नओवर 5 लाख ज्यादा हो। इसी आधार पर पेंशन की रकम भी तय होनी चाहिए। फिक्स ग्रोथ के आधार पर बीमा और पेंशन कवरेज बढ़ना चाहिए, जबकि इनका प्रीमियम घटना चाहिए। सालाना 5 लाख से ज्यादा टैक्स देने वाले ट्रेडर्स को पूंजीगत लोन पर ब्याज में 2% तक छूट मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।